बढ़िया लग रहा है यार। अंदर तो रूम में तो पता ही नहीं लगता है, अंदर रूम से तो पता ही नहीं लगता है कि क्या हाल है बाहर का। बिल्कुल, मतलब अंदर ऐसा ना एक छोटी सी खिड़की है बस, अगर पर्दे खोलो तब थोड़ी सी लाइट आती है, वरना अगर वो ना खोलो ना तो अब तो ऐसा लगता है भाई बाहर भी अंधेरा है जैसे अंदर है। तो गाइस फाइनली उठ चुके हैं हम, आज है हमारा वापस निकलने का दिन। कल सच बताऊँ कल हमारा लास्ट डे था, तो कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि कल भाई और मेरा यही था कि भाई कल आराम से घूमेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है, कल आराम से घूमेंगे। कल मैं और भाई सच बताऊं तो हम ज़्यादा नहीं तो एक दो बीच गए, जैसे वैगाटोर हो गया, जैसे अंजुना बीच हो गया, साथ ही में भाई और मैं गए थे डियर जिंदगी वाले स्पॉट में, मतलब उसका नाम ही वही है सच बताऊं। प्रॉपर प्लेस का नाम क्या है वो नहीं पता, बट GPS पे भी सर्च करोगे ना डियर जिंदगी फोटोशूट तो आपको नज़र आएगा वो वाला स्पॉट। तो हम वहाँ गए थे, वो इतना प्यारा एरिया, मतलब दोनों तरफ सड़क के लगे आपके कोकोनट ट्रीज और वो इतना ज़्यादा प्यारे लगते हैं कि क्या ही बताऊँ। बट वहाँ पर रश क्या बताऊँ यार, इतना ज़्यादा रश था, इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे फोटोज़ खिंचवाने अपनी, वीडियोज़ बनाने अपनी कि क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद हम चले गए थे वैगाटोर और अंजुना बीच, उसके बाद हम गए थे यहाँ से ऑलमोस्ट 15-17 किलोमीटर्स दूर एरम्बोल बीच। वो भाई वो है बीच, मतलब नॉर्थ गोवा का सबसे बेस्ट बीच लगा मुझे वो, मतलब जो वाइब वहाँ थी ना, जो शांति जो पीस वहाँ था ना, वहाँ भी रश था, बड़ी अलग सी फीलिंग थी यार, वहाँ ना शांति महसूस हो रही थी। यहाँ पर मतलब नियर बाय जहाँ भी मैं बीचेस पे गया हूँ ना, जिस बीच पे भी, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। वहाँ हम मैं और भाई ऑलमोस्ट बैठे 5-6 घंटे, मतलब हम ऑलमोस्ट 2-3 बजे पहुँच गए थे और वापस आए हम 7-8 बजे आराम से भाई। वहाँ पहले मतलब हम बैठे, खाया पिया, इन्जॉय किया है ना, फिर उसके बाद वापस में हम एरम्बोल की स्ट्रीट्स घूम रहे थे, मतलब वहाँ की मार्केट एक्सप्लोर की, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान हमने खरीदा है। क्या सामान खरीदा है वो आपको वापस चल के दिखाते जब घर पहुँच जाएगी। और आज है वापस निकलने का दिन, तो आज सबसे पहला सीन जो रहने वाला है गाइस, हम सबसे पहले अपनी जो गाड़ी है उसको वापस करने जाएंगे ना। मेरा मन तो था भाई मुंबई तक गाड़ी में ही चलते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब इतना मज़ा आ रहा था गाड़ी चला के। हम अपनी गाड़ी को वापस करेंगे, फिर हमने जाना है क्या बोलते हैं मडगांव तक, क्योंकि वहाँ से है हमारी ट्रेन वापस मुंबई के लिए। तो वहाँ के लिए भी देखते हैं कहाँ कैसे जाते हैं, क्योंकि बस रेडी हो चुके भाई, रेडी हो रहे हैं, इसके बाद चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट आज हम सोच रहे थोड़ा बाहर चलते करने, थोड़ा परांठे वगैरह खाते, मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का ना। बस भाई के इंतजार है, जैसे ही वो आएगा अपन चल पड़ेंगे। कैसी मेरी टी शर्ट? बढ़िया भाई, आज एक और तोहफा गया इस भाई की तरफ से मुझे ये टी शर्ट। मतलब ऐसा है कि मैं तो पता नहीं मैं क्या क्या पैकिंग करके लाया हूँ अपनी, मैंने सोचा बड़ा था कि ये ले जाऊँगा वो ले जाऊँगा, लाया मैं कुछ होने में। अब ये है लास्ट डे, आज वापस ही जा रहे हैं, बाकी हम आगे बाहर कैलिंगुट की स्ट्रीट्स में और ढूंढने कुछ बढ़िया सा खाने के लिए। तो यहाँ दिख रहा है बढ़िया हमें आनंद फैमिली रेस्टोरेंट है, जहाँ प्योर वेज पंजाबी मिलेगा, परांठे मिल जाए, बस परांठे और बढ़िया चाय तो दिन बन जाए। मिलेगा भाई आज ट्रेन में शायद, क्योंकि मुझे तो ब्रेकफास्ट भी नहीं मिला ट्रेन में, डिनर की उम्मीद रखूंगी नहीं। अच्छी ट्रेन में जा रहे मेरे ख्याल से, तो मिलना चाहिए यार। तो भाई ये है बढ़िया रेस्टोरेंट भाई, तो भाई फुल फील आ रहा है कि यहाँ बढ़िया मिल सकता है अपने को देसी खाना एकदम, जो अपने को चाहिए इस टाइम। तो भाई परांठे और चाय अपनी हो चुकी है, क्या मजा है परांठे खा के भाई, पूरी घर वाली फील थी, और पूरे घर वाली फील परांठा और चाय बन एक नंबर भाई, वो खा के तो हम फारिग हो चुके हैं। अब भाई ने सोचा कुछ और भी ट्राई करते हैं, वो है मिक्स वेज उत्पम। थोड़ी सी अभी हमारी ट्रेन है तो पता नहीं मिलेगा कब मिलेगा क्या मिलेगा, तो तब तक थोड़ा सा ज़रा कुछ और भी खाया जाए, फुल फीलिंग हो रहा है। हाँ ये देखो भाई, ये आ गए अपने मिक्स वेज उत्पम, क्या ही बात है, एक नंबर। या सांभर और ले आओगे है ना यार, अभी तक मैंने ऐसा उत्पम देखा नहीं इतने टाइम से, वहाँ बीकानेर वाले में मिलता था सेम ऐसा, बाकी कहीं नहीं देखा यार। सही मैन, लुक सो टेम्पटिंग भाई यार, मेरे को तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, बट ये है कि खा ही लूँगा मैं अब इसको देख कर। सांभर हर कुछ है, बिल्कुल बिल्कुल वैसी फील है भाई, ट्रू रिव्यू, खाना एक नंबर था भाई, सब कुछ इतना सही था कि क्या ही बताऊँ। रुक जा, मज़ा नहीं आएगा, है ना, मेरे को रोना आ रहा था खाने को देख के, मैं इतना स्वाद भी हो सकता है खाना, सही बात है, वो भी एक रेस्टोरेंट में नॉर्मल। देखो ये देखो, मैं आपको एक प्रॉपर लोकेशन दे देता हूँ इसकी, ये है ये देखो फिशरमैन चौक के बिल्कुल ऑपोजिट है गाइस, आनंद फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ पर हमने खाना खाया, एक नंबर है भाई। जब भी आप गोवा यहाँ ज़रूर ट्राई करना, मतलब बिल्कुल देसी खाना खाने का मन है ना तो यहाँ ज़रूर आ रहा है। गाड़ी ऑन कर दूँ कि नहीं, सामान हमने लोड कर दिया है, ये देख सकते हो, ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमने खरीदी थी यहाँ से, खरीद तो ली थी बट उस टाइम ये नहीं सोचे इनको ले जाना कैसा है। गाड़ी अभी हमने छोड़ने ऑलमोस्ट 16-17 किलोमीटर दूर, फिर वहाँ से हम जाएंगे थेवम रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ से हमारी ट्रेन है मडगांव तक की। देखो जहाँ हम गाड़ी में भी सकते थे, बट गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव अफेयर पड़ रहा था। जो ट्रेन है, जो भाई ने ट्रेन करवाई है थेवम से मडगांव तक, मात्र 70 रुपये में हुई है वो टिकट, सोचो।
एक बंदे की टिकट 70 रुपए, दो बंदों की 140, तो 1500 और देने से अच्छा तो 140 में हो जाएगा, हम तो बढ़िया है। फाइनली करते हैं अपने वापस के सफर की शुरुआत। मन तो बिल्कुल नहीं है मगर जाना तो पड़ेगा ना भाई, जाना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। बाकी अब थोड़ा इस होटल के रिव्यू की बात भी की जाए या नहीं? बिल्कुल करनी ही चाहिए। तो हम कहाँ रुके थे भैया? हम रुके थे होटल प्लाजा इन बाय रियो। ओके, और इन्होंने अपने आप कैसे बनाया, जैसे होटल चेन है। है बेसिकली एक चेन ही है, छोटी सी, इनके 4-5 होटल्स हैं डिफरेंट लोकेशंस में। वेरी बैड एक्सपीरियंस, रीजन बीइंग कि जो फोटो में दिखा, पहली बार तो रूम्स वैसे नहीं थे बिल्कुल। सेकंडली सारे रूम्स में थोड़ी थोड़ी सिलन थी। ठीक है, सिलन थी, उसकी स्मेल शरेआम आ रही थी, उन्होंने वो जस्ट वो डियो डाल के परफ्यूम उसको कवर अप करने की कोशिश की थी। सही बात है। थर्डली कोई भी इन्होंने होटल शायद एक्वायर किया होगा किसी से, तो ये बिल्कुल भी वेल मेंटेन नहीं था। जब से इन्होंने लिया है दीवारें इतनी गंदी थी, स्ट्रेट हमने उसकी वीडियोस बनानी भूल गए। ओह यार, फोटोज भी नहीं ली। सही बात है, मैं बता रहा हूँ गाइस, वॉशरूम की दीवारें इतनी गंदी थी ना, ऐसा मैं क्या बोलूं, एक ऐसे हिचक नहीं आती। रूम में मतलब जो उन्होंने बिस्तर दिए थे ठीक है साफ थे, बट उसमें स्मेल इतनी अजीब जैसी थी। ओह माय गॉड, मतलब वो ना मेंटेनेंस ही नहीं थी कि साफ ही नहीं करते। जो क्लीनिंग लेडीज थी वो कोई प्रोफेशनल नहीं थी, बेचारी इन्होंने लोकल कहीं से आंटियां बुलाई हुई पकड़ी हुई थी, उनसे करवा रहे काम। बताओ, वो फ्रंट डेस्क पे बंदा बैठा हुआ चश्मे वाला था, कोई काली काली ड्रेस पहन के रखता है भाई, इतना रूट लग रहा है कि पता नहीं हमने उसके ऊपर वो हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। रूम्स देख के, सही बात भाई, हम तेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम आ रहे तेरे पास रुकने यार। अब बस उन्होंने एक वो स्विमिंग पूल है उसमें वो दिखा के ये सोच रहे थे पता नहीं भाई क्या बना लिया इन्होंने, क्या प्रॉपर्टी की फोटोज ऐसे दिखाई थी जैसे कि पता नहीं, ओह माय गॉड क्या रूम्स हो गए। ऑनेस्टली बताऊं मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं बहुत अच्छे रूम्स हो गए, मजा आएगा। सही बात है, बट भाई वेरी बैड एक्सपीरियंस। और थर्डली था गाइस फूड, फिर फूड की बात आती है, जो हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया। हम ना जिंदर रहे, मैं सच्ची बताऊं जिंदर में भी रूम्स ठीक है, वो एक तो लाइटेड थे अच्छी बात, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि टॉप नॉच थे, बट ठीक थे, नीट एंड क्लीन थे, नीट एंड क्लीन थे, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन था। सेकंडली उन्होंने दूसरे दिन भी हाउस कीपिंग से खुद से साफ करवा दिया रूम। थर्डली उनका खाना, दैट वाज समथिंग जो हम खा लेते थे और दिन भर हमारा चल पड़ता था, बट यहाँ पे उज्जो ने पहले दिन तो खाया, मतलब आंख बंद करके खा लिया, दूसरे दिन ही वाज लाइक कि भाई मैं नहीं खा सकता भाई। तो फिर अभी हमने देखा कि हम यहाँ पे आनंद आ गए थे। पहली बार तो मतलब वहाँ पे गेस्ट है, उन्होंने बताया कि हमें ना सांभर के अंदर थोड़े से इंसेक्ट भी मिले। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, देखो क्यों गलत बोलना, जो सच्ची था वो सच्ची था। अगर आप आ रहे हो ना कैलिंग्यूट या ऐसी जगह ना ही रुको, मैं तो बोलूंगा। मैं इसको बोल भी रहा था कि मतलब कहीं और शिफ्ट हो जाते, क्यों यहाँ ऐसी रहना है, बट फिर वो हो गया था कि मतलब हमने बहुत पैसे दिए थे यार, पैसे हमने पे कर दिए थे ऑलरेडी। और वो बंदा कैसा है जो फ्रेंड डेस्क पे वो पहले ही पैसे मांग रहा है, तब तक चेक नहीं, रूम ही नहीं दिखाए भाई बंदे ने तब तक यार। तो आप लोग भी देखो गाइस, जब आप लोग रूम लेते हो ना तो एक बार रिव्यूज पढ़ लेना। दो रिव्यूज मैंने पढ़े थे, आई डोंट नो या तो खुद करवाते होगे कुछ, पता नहीं क्या था, आई डोंट नो, फोटोज स्टार्स, लोकेशन का पैसा था, लोकेशन हाँ था मेन मार्केट में ना, तो बस उसका ही पैसा खा रहे हैं। और यहाँ से कैलिंग्यूट बीच से 5 मिनट्स वॉक पे था, बट हम वहाँ गए नहीं क्योंकि वहाँ का भी हमने रिव्यू सुना, बोले वो बहुत ही गंदा बीच है, वहाँ मत जाओ। मतलब हम सही क्या, हम जाना घूमे हमने बढ़िया। नहीं नहीं भाई, मैं सच बताऊं 4 दिन कैसे बीते पता नहीं लगा, बट जो लोकेशंस हम गए ना, मतलब मैंने सोचा नहीं था 4 दिन ऐसे लगा कि हम पता नहीं सालों से घूम ही रहे गोवा तो है ना। मतलब ये ऐसा लगता है कि जैसे हम स्पीति गए थे ना, ऐसी फीलिंग अपना ही है भाई, सही बात है। यहाँ पे भी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये तो अपना ही है भाई, सही बात है गाइस। अगर स्टे अच्छा हो जाए, अरे भाई मैं तो बोलूंगा कुछ कमी नहीं थी इस ट्रिप में, कुछ कमी नहीं थी, बस ये जो लास्ट के दो दिन हमने स्टे किया ना, जहाँ इस होटल ने सारा मतलब हमारी एक ने गाड़ी ठोक दी थी थोड़ी। हाँ सही बात है, और उसी होटल में जिस दिन हम चेक इन करने ही जा रहे थे, जस्ट हमने रूम्स देखे थे और भाई का मूड वैसे ही खराब हो गया था कि मैं यार क्या इसका हुआ था, मैं तो ऐसा था चल यार कर लेके एडजस्ट, सब छोड़ भरे। मैं बताता हूँ उसको हमने सॉल्व भी कैसे किया, मैं अगर कोई और भी आता है, देखो हमारा तो ऑनलाइन था सारा कुछ, हमने ऑनलाइन ही करवाया था, बिकॉज मुझे ये था कि यहाँ पे जब हम दूसरे से लेके तो कोई भरोसा नहीं कैसी गाड़ी मिलेगी क्या, तो ऑनलाइन उन्होंने पूरी डिटेल्स दी थी, तो जैसे हमने ऑनलाइन कराई थी हमने उन्हीं पैसे उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी गाड़ी ठुकी है, तो उन्होंने फोटोज मांगी और जो जिसने ठोकी थी उससे डायरेक्ट बात ही उन्होंने, तो उससे उन्होंने 1000 रुपीज ले लिए, जो मेरे को लगा कि ठीक है ठोकी उसका वो कंपनसेशन उनको हो गया, तो शायद हमारी सिक्योरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जहाँ तक मुझे। होपफुली अंदर कोई होगा। फाइनली हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ हमने अपनी गाड़ी छोड़नी है, गोई का। तो गाइस बाकी ऐसा है कि यार मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि ये गाड़ी अभी हम छोड़ रहे हैं। So guys, done with the Goikar. Bye bye car. You were good to us. काफ़ी मज़ा आया तुम्हारे साथ, मतलब काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर कर लिया तुम्हारे साथ, काफ़ी ज़्यादा जगह घूम लिया है। अब बारी आ गया जाने की, तो निकलते हैं, गाड़ी हमने करवा दी, अब जा रहे हैं हम यहाँ से थिवम रेलवे स्टेशन, वहाँ चलते हैं, वहाँ से अपनी ट्रेन है और फिर दूसरी ट्रेन है। फिर जाके पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन आज की, बट द एक्सपीरियंस वॉज गुड विद दिस पीपल।
तो गाइस जहाँ से शुरुआत की थी वहीं से अब अंत भी कर रहे हैं गोवा का, थिरिम रेलवे स्टेशन से। यही मैं बाहर आया था, यही ये मुझे लेने आया था। उस दिन कितना रश था, आज बिल्कुल खाली है। शायद कोई ट्रेन नहीं आई होगी अभी, बट बड़ा मतलब अलग सी फीलिंग है, मतलब जहाँ से शुरुआत वहीं से एंडिंग। बट सही है भाई, नहीं है क्या उससे पहले की ट्रेन कोई नहीं है, शताब्दी है बस। अब प्लेटफॉर्म वो नहीं पूछा, 1:30 बोला है, 1:30 1:30 वो यार मेन दिक्कत तो उसका ही है गाइस, हम रिस्क ले तो रहे हैं। बट ये अपनी ट्रेन पीछे से यार और लेट नहीं होनी चाहिए, और लेट हुई तो हमारी आगे तो मुंबई की ट्रेन है मडगांव से, वो मिस हो जाएगी फिर यार। गाइस फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है जन शताब्दी, और अब हम जाएंगे इससे मडगांव तक। इस ट्रेन में सफ़र रहने वाला है वो ऑलमोस्ट आधे घंटे का रहने वाले। एक टाइम पैसे लग रहा था लेट हो जाएगी तो टैक्सी करवा के चले जाएंगे, क्योंकि ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए आगे की। बट सही है भाई, बढ़िया सीट से बैठने के लिए कंफर्टेबल है ना, और अब रश भी नहीं होगा आगे, है ना। बस वाली फील आ रही है थोड़ा, है ना। चल अगर यहाँ कोई नहीं बैठा तो मैं इस साइड को आ जाऊँगा दोनों। हाँ क्या भाई, मैं खुद शताब्दी में फर्स्ट टाइम बैठा हूँ, और इसमें ऐसी सीट्स रहती है चेयर सीट्स बेसिकली हैं, क्योंकि इसमें स्लीपर तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। ओके अच्छा ओके भाई, ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है एज़ कम्पेयर टू जो थिवेम है ना। थिवेम तो क्या ही है जितना ये बड़ा है मडगांव। यहाँ पर रश ही देख लो पहली तो, प्लेटफॉर्म नंबर 2 ये रात्रि शायद हमारी साइड पे आएगी ट्रेन। ये देख लो गाइस सामने ये होटल, इस होटल में हमने स्टे किया था जब हम साउथ गोवा में थे पहले 2 दिन, और यहीं से सामने दिखता था मडगांव स्टेशन भी। तो भाई पर आज उसी स्टेशन पे हम खड़े भी हैं, ये देखो सामने खड़ी है वंदे भारत ट्रेन जो यहाँ से मुंबई तक की है। ये हमारे से शायद आधे 1 घंटा पहले निकल जाएगी, और 1 घंटा पहले मुंबई भी पहुँच जाएगी। ये ट्रेन भी हम देख रहे थे बट इसमें सीट्स अवेलेबल नहीं थी जब हम बुकिंग करवा रहे थे। निकले कुछ खाने का उठा दिया मैंने यार, क्योंकि भरोसा नहीं है ट्रेन में मिले या ना मिले, क्योंकि पिछली में नहीं मिला था, इसमें भी अब पक्का नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये ट्रेन है क्या हमारी गाइस, ठीक है गाइस। जैसे ही कोच के पास पहुंचे इन्होंने दरवाजे ही बंद कर लिए, बोलो अंदर से अभी गार्ड खोलेगा, शायद सफाई वगैरह हो रही होगी, क्या हो रहा होगा पता नहीं। स्क्रीन तो लगी है सामने बट ये चलती है कि नहीं अभी तक तो चलने दी, बट शायद जब ट्रेन शुरू हो तो शायद चल पड़े। अब फैसिलिटीज़ तो देती है गवर्नमेंट बट हम ही उसकी देखो क्या हाल कर देते हैं। ये देखो इसका ये निकाला हुआ है, इसके स्क्रैचेस देखो स्क्रीन पर। बाकी ये कि सीट्स अपने को मिल गई है कंफर्टेबल एकदम, पूरा ऐसे लगने वाला है कि हम वॉल्वो बस में सफ़र करने वाले हैं आज। और सामान हमने एडजस्ट कर लिया अपना, अब मुझे डर है तो सिर्फ इस ब्लू वाले पैकेट के जिसमें ड्रीम कैचर है। बस हाँ तो दिया है बट ये कि अगर ट्रेन हिलेगी तो शायद हिले ना, बाकी देखते हैं होपफुली ऐसी रहे, ज़्यादा तंग हमें करें ना। बाकी हम कम्फर्टेबल हो चुके हैं अभी मैं और भाई। ये भी लगा ले साइड बाय साइड, इसको तो ले रहे हैं सर्विसेज बढ़िया, वेरी नाइस। तो खाते भी थे फिर मंदिर रहते के बाद वो ओखा जैसा लगा ना चाय के साथ पीने में। बट क्या बात है इस ट्रेन में तो न्यूज़पेपर भी मिल रहे हैं, मिल रहा था क्या बात है। मैं तो पहली बार ही, मैं तो ट्रेन में ट्रैवल ही कम किया ना, बट मैं पहली बार ही देख रहा हूं क्या बात है। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन पहुंचे रत्नागिरी टाइम जो 7:04, और हम खा रहे हैं वड़ा पाव। कैसा है ठीक है
रियली क्या बात है यार, बस हरी मिर्च नहीं मिली यार अपने को, बाकी सब ठीक है। तो गाइस अभी 8 बजे भी नहीं और डिनर ऑलरेडी आ चुका है, अभी जस्ट वड़ा पाव खा के फारी थी, जब भूख भी नहीं इतनी ज़्यादा और लग मुझे रहा है हेवी चीज़ है। एक पनीर सब्जी दाल चावल दही चम्मच स्टील वाला दिया है वो बाकी साथ में है रोटियाँ, हाँ दो तीन रोटियाँ लग रही मुझे इसके लिए, तो भाई समझ नहीं आ रहा भूख है इतनी ज़्यादा। बट ये है कि अगर अभी नहीं खाएंगे तो फिर जब मतलब पहुँचने वाले होंगे मुंबई तब भूख लगेगी, समझ नहीं आ रहा। ओ भाई थैंक यू, एक तो बच गया है ना, लड़ी मेरी खराब हो गई तो भाई फाइनली 1 बजे हम पहुँच रहे हैं अपने घर। बट सच बताऊँ मतलब यहाँ फील नहीं होता है कि 1 बज रहा है 2 बज रहा है, मम्मी पापा भी इंतजार कर रहे हैं, देखते भूख तो लगी हल्की हल्की, थोड़ा बहुत अगर कुछ खाएगी ठीक है वरना सो जाएगी यार, रेस्ट करने की जरूरत है, अब काफ़ी लंबा ट्रिप हो गया थोड़ा रेस्ट करना बनता है क्योंकि वापस काम में भी जुटना है। अभी चलती है मैं चलती है कितने नहीं हो रही थी अच्छी है क्या टी शर्ट, हाँ अच्छी यार क्या लाइटिंग के साथ और भी अच्छी लगी, और देखो ना येलो लाइट भी रखनी चाहिए, रखूंगा भी धीरे धीरे गाइस, ये बल्लो वाइट है, हाँ वाइट है भी यार, येलो रखो उसको रखेंगे धीरे धीरे, येलो लाइट ना सूदिंग होती है अच्छा। हाँ तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, मम्मी पापा से मिल चुके हैं, अभी नया सामान भी आपको दिखाते हैं जो थोड़ा बहुत घर में है बाद में, बट अभी फिलहाल के लिए आराम करते हैं। रिव्यू सुबह आएगा जो घर को लगता है क्योंकि मेरा रिव्यू मैटर करेगा इसके कि ये क्या सोचता है कैसा लगा इसको फ्लैट, वो सुबह पता लगेगा अगले व्लॉग में पता लगेगा, सुबह मैं देखूंगा भी ना, पर अभी इतना ज़्यादा नहीं, अभी तो अंधेरे में पहुंचा है जैसे पापा भी थे ना सुबह उठ जाइए 7 बजे पिलाओ भाई पिलाओ पानी पिलाओ, आपका लड़का आया चंडीगढ़ से स्पेशली पिलाओ यार, इसको बंद करो तो चलो यार भाई अब मिलते हैं अब आपको बाद में, थक चुके हैं लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, हाल देख लो हमारा बहुत बुरा हो गया है, तो अभी भाई नहाने जा रहे हैं साथ में चाय बन रही है, तो सब कुछ करते हैं देखते हैं सब कुछ करते हैं फिर मिलते हैं अब आपको बाद में, तो चलो